हर हर महादेव दोस्तों। आज केदारनाथ धाम में मौसम एकदम साफ है और थोड़ा सा ऊपर में आसमान जो है घिरा हुआ देख सकते हैं। केदारनाथ का ये दरवाज़ा बंद किया गया है क्योंकि मौसम थोड़ी सा ख़राब और ये बारिश होने की संभावना, और मंदिर की चारों तरफ आपको मैं दिखाऊंगा कि एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। आसमान एकदम साफ, बिल्कुल साफ है, पूरा नीला आसमान आपको दिखने को मिल रहा, ऐसा नज़ारा आपको बहुत कम ही और ये सितंबर या अक्टूबर में आपको ये नज़ारा मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं अभी ठंड भी कम है, यहाँ बाबा लोग बैठे हुए हैं और आपको देखा दूँ कि आगे से जो उसका नज़ारा व्यू है और चारों तरफ इसमें दिखाऊँ तो श्रद्धालु कम आ रहे हैं क्योंकि पर्व फेस्टिवल का टाइम है इसीलिए दोस्तों। और आप लोग केदारनाथ आना चाह रहे हैं तो ज़रूर आए, ये मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी बर्फ़ गिरने का भी चांस कम है, देख सकते हैं धूप खिली हुई है और वहाँ से डायरेक्ट धूप निकल रही है और अभी ठंड भी कम है और अभी आप कम कपड़े में भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं और केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये अभी केदारनाथ यात्रा में आने के लिए काफ़ी कुछ अपने पास रख लीजिए, पानी की बोतल जैसे गर्म कपड़ा, चूँकि यहाँ की मौसम कभी भी बदल सकती है दोस्तों। आप देख सकते हैं अभी पल पल में यह मौसम बदल दिए, अभी मौसम साफ है, अभी धूप है, सुबह का टाइम है, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे मौसम पूरा ये बादल से घिर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ऐसा मौसम है कि आप कभी भी बारिश भी हो सकती है, मौसम घिरा हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। अभी धूप खिली हुई है सुबह सुबह के टाइम में, देख सकते हैं फिर भी लोग अपने कपड़े पहन के आए हुए हैं, स्वेटर वेटर लेके आए हुए हैं, चूँकि यहाँ पर ठंड जो है, चूँकि मौसम का यहाँ कुछ है नहीं। आप देख सकते केदारनाथ का जो मंदिर है वो खुल चुका है और लोगों का दर्शन के लिए ये काफ़ी ही अच्छे है, आप सब लोग फ़ोटो वोटो आराम से खिंचा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और 8 बजे ही दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, अभी भीड़ कम है, इसीलिए दोस्तों आप लोग आए तो सारा चीज़ लेके आवे और केदारनाथ मंदिर में आ रहे तो स्वच्छ रखें ताकि इधर उधर कचरा आप लोग ना फेंके और स्वच्छ रखें। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ ठंड, अभी ठंड बहुत कम है, प्रयागराज से गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ आने में आपको रास्ता थोड़ी ख़राब भी है, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाबा का दर्शन करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आए और अच्छे से आवें। यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं दोस्तों, के जैसा आप देख सकते हैं अभी धूप पूरा खिली हुई है, मॉर्निंग का टाइम है और सबसे अच्छा टाइम यही रहता है भगवान का दर्शन करने का दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिए। जय श्री केदार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।